सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि डेली नाइट आपको एमसीक्यूज मिलते थे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पे, वो सीरीज हमारी कंप्लीट होगी। उसकी पीडीएफ मैं आपको जल्द ही अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जूनियर सुपरवाइजर, सब इंस्पेक्टर, JKSSB, फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, जो आपका साइंस का टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ, ठीक है, इसके कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। चैनल सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको और भी मिलेंगी, उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइस, इसका बाद हम अपना फाइनेंस का स्टार्ट कर देंगे, जो कि उनकी साइंस है, जो कि आपकी भी सेम साइंस है, उसको स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपकी रीजनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आप मेंटल एबिलिटी टेस्ट JKSSB एग्ज़ाम्स की देखो, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी हमारी रीजनिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए अगर देखोगे, क्लास फोर्थ की भी देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको कोडिंग डिकोडिंग की वीडियोस देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आज का हमारा, वो है, जैसा कि आपको पता है कि आपकी अगर मैं यूनिट सुपरवाइज़र की बात करूं, सब इंस्पेक्टर की बात करूं, आज शाम को जो आपको एक लेक्चर मिला, जिसमें हमने डिस्कशन किया इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, जो कि पॉलिटिक्स, रिलीजन, जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं नेशनल लेवल की, उनको डिस्कशन किया। 19 पर्सनालिटीज़ को डिस्कशन किया है, वो पार्ट वन है। पार्ट टू भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम यूट्यूब पे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको GK का लिंक मिल जाएगा, GK के प्लेलिस्ट के लिंक क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको GK की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी हमारी, उन पे क्लिक करोगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको लेटेस्ट जो वीडियो आज शाम को अपलोड हुई है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। पर इस वीडियो के बाद देखो, अभी इसको ज्वाइन पे चल लो। हाउ मैनी परसेंट अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, कितना परसेंट जो अर्थ का जो सरफेस है वो कवर्ड है वाटर के साथ, क्या वो 88% है, 98% है, या फिर वो 97% है, या फिर वो 99% है। तो राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, वो 97% जो वाटर है वो कवर्ड है आपका सरफेस विद वाटर के साथ, ये आप सबको पता है, ठीक है ना। जो विदाउट वाटर हमारी लाइफ तो पॉसिबल है नहीं है, फूड के बिना तो हम रह सकते हैं, ठीक है ना। और जो इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर है ना, रोल है इम्यून की बॉडी में, बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम एमसीक्यूज में नहीं बता सकते, बट ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन रखता है, ठीक है, हमारे किडनीज का जो फंक्शंस रहते हैं उनको मेंटेन रखता है। पानी कम पीने से हमारे माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं गाइस, जब आप इनको डिटेल में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ, अर्थ के कितने सारे अर्थ पे कितने सारे सोर्सेस हैं वाटर के, क्या वो 1 है, क्या वो 2 है, 3 है, या फिर 4 है। तो गाइस, अर्थ के अगर मैं बात करूँ, तो एक तो होता है आपका रेन वाटर, ठीक है। लाइव सेशन चल रहा है, आप इसका आंसर दे सकते हो, कोई बात नहीं, कमेंट में लाइव चैट होती है ना, उसमें कर सकते हो। सेकेंड होता है आपका ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर। थर्ड होता है आपका सरफेस वाटर, ठीक है, ये 3 वाटर होते हैं, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं, क्लियर, बता दिए मैंने कौन कौन से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, सरफेस वाटर का कौन सा इनमें से एक सोर्स है। दोस्तों, सरफेस वाटर कौन सा हो गया, जो कि आपका सरफेस में है, जिसमें आपकी लेक्स आ गई, रिवर्स आ गई, ठीक है, इन चीज़ों आ गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसमें से कौन सा है जो कि सोर्स है, सोर्स वाटर, सरफेस वाटर का, स्टीम्स हैं बिल्कुल, पॉन्ड्स हैं बिल्कुल, ओशियन बिल्कुल, तो राइट ऑप्शन इज डी, क्लियर। आई होप यहाँ तक आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हुए होंगे, ठीक है, आप इनका आंसर लाइव चैट में भी बता सकते हो। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, इनमें से कौन सा जो सोर्स है ग्राउंड वाटर का सोर्सेस है, क्या वो वेल्स हैं, क्या वो स्प्रिंग्स हैं, रेजिवोर्स हैं, या फिर बोथ ए और बी। ग्राउंड वाटर की अगर मैं बात करूँ, ग्राउंड वाटर होता है जो कि आपका ज़मीन के अंदर होता है, ठीक है, ऐसे डेप्थ में होता है जो, ठीक है। तो दोस्तों, वेल्स एग्जाम्पल है, स्प्रिंग भी एग्जाम्पल है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। रेजिवोर्स के बारे में मैं अभी नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा।
हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, कितना परसेंट जो वाटर होता है वो अवेलेबल रहता है सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग के लिए, क्या वो 2 से 3% रहता है, 3 से 4% रहता है, 6% रहता है या फिर 5% रहता है। तो गाइस जो इसकी परसेंटेज होती है, क्वांटिटी होती है, वो 2 से 3% रहती है अवेलेबल फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर जिसको बोलते हैं। बाकी आपका सॉल्ट वाटर होता है, कुछ आपका ग्लेशियर्स में चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है इनसफिशियंट वाटर कंटेंट इन द ह्यूमन बॉडी रिजल्ट इन सेवर डिहाइड्रेशन विच इज ऑफ्टन एकॉम्पनीड बाय। दोस्तों इनसफिशियंट यानी कि वाटर की कमी होने के कारण इंसान के अंदर कौन सी बीमारियां जो एक जन्म ले सकती हैं, ठीक है, किडनी फेलियर, बिल्कुल किडनी तब फेल होती है जब हमारी पानी की कमी होती है, ठीक है, तभी बोलते हैं ना किडनी की जिसको प्रॉब्लम है, या फिर स्टोन होती है जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो उनको सिर्फ पानी लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए, ठीक है, उनको दिन का ज़्यादा पानी पीना चाहिए। सीजर्स, बिल्कुल स्वेलिंग इन द ब्रेन, ये आपकी 3 डिजीजेज हैं, इनको नोट कर लो, ये 3 डिजीजेज होती हैं इनसफिशियंट ऑफ वाटर कनेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, क्लियर। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डिपेंड ऑन द वाटर यूजर। दोस्तों बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि डिपेंडेंट रहती हैं वाटर पे, ठीक है, वाटर पे डिपेंडेंट रहती हैं, तो इनमें से बताइए कौन सी ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि वाटर का यूज़ नहीं करती है। तो फूड इंडस्ट्रीज यूज़ करती है, बिल्कुल करती है, केमिकल इंडस्ट्री बिल्कुल करती है, पेपर इंडस्ट्री करती है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट ऑफ दी करेंट। उसके बाद है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, वर्ल्ड वाटर जो डे होता है वो हर साल मनाया जाता है किस दिन को, क्या वो 22 मई को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है, या 21 जुलाई को मनाया जाता है। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो मनाया जाता है आपको 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को इसको मनाया जाता है। उसके बाद है डैम आर ह्यूज वेरियस क्रिएटेड अलोंग वाटर बॉडीज, इसको अलोंग कर दो एक, ठीक है, एक अलोंग नॉट टू अलोंग, अलोंग वाटर बॉडीज टू रिस्ट्रिक्ट रखना था, रिस्ट्रिक्ट आना था यहाँ पे, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट एंड कन्फाइन द फ्लो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन डैम इज कॉल्ड, जो वाटर स्टोर्ड रहता है डैम में। ये देखिए मैंने JKSSB की तरह क्वेश्चन पूछा है, कहानी यहाँ से लेके घुमाने की है और यहाँ से मेन क्वेश्चन है आपसे पूछने का, वाटर स्टोर्ड इन डैम इज कॉल्ड स्प्रिंग रेजर्वायर स्ट्रीम्स या फिर नन ऑफ द वो, तो उसको बोलते हैं रेजर्वायर, ठीक है, जो वाटर डैम में स्टोर रहता है उसको रेजर्वायर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जो डैम्स वगैरह होते हैं ये आपका सरफेस वाटर में आता है, ठीक है। उसके बाद है वाटर साइकिल इज आल्सो नोन एज, दोस्तों वाटर साइकिल को हमेशा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, या फिर बोथ ए और बी, या फिर नन ऑफ द दिस। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है मैं आपको बता दूं, इसको कभी कभी हाइड्रोलॉजिकल भी बोलते हैं और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है, बोथ ए और बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रो किस तरह से चलता है वाटर साइकिल आपको पता है, ये आपका लैंड है, ठीक है, ये आपकी लैंड है, ये आपका यहाँ पे ओशंस वगैरह हैं, ठीक है, ओशंस वगैरह हैं दोस्तों, यहाँ पे ओशंस है, यहाँ पे आपका सन है, ठीक है, ये आपका सन है, यहाँ पे हीट जो एनर्जी होगी सनलाइट पड़ेगी धरती पे, क्या होगा, ये पानी गर्म होगा, ठीक है, इसके कारण क्या होगा, इवेपोरेशंस होगी, यहाँ पे इवेपोरेशंस होंगी, इवेपोरेशंस होगी, जो वाटर वेपर बनेंगे, ठीक है, वो चले जाएंगे आपके क्लाउड्स में, जब वो क्लाउड्स में जाएंगे वो कंडेंसेशंस हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि जम जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, और वो फिर एक फॉर्म में नीचे आएंगे, वो किस फॉर्म में, परसिपिटेशन, जिसको बोलते हैं परसिपिटेशन की फॉर्म में वो नीचे आएंगे, यानी कि वो रेन भी हो सकती है, आपकी स्नो भी हो सकती है, ठीक है, रेन भी हो सकती है, स्नो भी हो सकती है, ठीक है। दोस्तों जो ओशंस होते हैं ना, ज़्यादा जहाँ पे गर्मी पड़ती है ना, आप पता है कोस्टल एरिया जो हो गया हमारे, वहाँ पे क्यों इतनी गर्मी कम होती है, क्योंकि वहाँ पे कोस्टल जो एरियाज हैं वो आपके जो समंदर होते हैं वो सारा का सारा जो सनलाइट होती है वो ऑब्जर्व करते हैं अपनी तरफ, ठीक है, वहाँ पे इसलिए जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा क्यों होती है, जैसे कि राजस्थान है, कितनी गर्मी होती है वहाँ पे, और साउथ अफ्रीका का इलाका है, ऐसे नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा 58 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, इनमें से कौन सी एक फॉर्म है जो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर नहीं है, क्या वो स्नो है, बिल्कुल स्नो सर लिक्विड नहीं है, एक सॉलिड है, ठीक है,
लिक्विड नहीं है, लेक वाटर सर सॉइल लिक्विड है, ये ठीक है, ये गलत है, रिवर वाटर ये भी ठीक है, वाटर वेपर ये भी गलत है सर, आइस ये भी गलत है सर। वाटर वेपर आप सर आपकी गैसेस होती हैं सर, ये आपकी सॉलिड होगी, ठीक है सर, ये दोनों आपकी लिक्विड होती हैं, तो लिक्विड फॉर्म उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी है जो कि सॉलिड फॉर्म नहीं है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए, फोर्थ वाला वाटर वेपर, और ये आपका आइस, ये आपका स्नो, ठीक है फर्स्ट वाला। होप सो गाइस आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा हो। उसके बाद क्वेश्चन आता है, ए मैन डिगिंग द ग्राउंड नियर ए वाटर बॉडी, दोस्तों एक मैन है डिगिंग करता है ग्राउंड नियर ए वाटर बॉडी, फाउंड दैट द सॉइल वाज मॉइस्ट, एज ही कीप्ड डिगिंग डीपर एंड डीपर ही रीच्ड ए लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स एंड गैप बिटवीन द रॉक्स और फिल्ड विद द वाटर द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड। दोस्तों क्या है कि एक बंदा है वाटर के नियर वाटर बॉडी, वाटर बॉडी होगी यहाँ पे ओशंस वगैरह हैं, ठीक है वाटर बॉडी की साइड पे वो एक गड्ढा निकाल रहा है, गड्ढा को निकाल रहा है निकाल रहा है निकाल रहा है निकाल रहा है, वो एक लेवल पे पहुंच जाता है, यहाँ पे मॉइस्ट उसको सॉइल मिलती है, ठीक है फिर नीचे चला जाता है, पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स गैप्स बिटवीन द रॉक्स, यहाँ पे ये चीज़ें उसको देखने को मिलती हैं, यानी कि गैप्स देखने को मिलता है रॉक्स का जो कि वाटर के साथ फील्ड रहता है, यहाँ पे लेयर तर्क बनी, तर्क बोलते हैं ना, तर्क बनी होती है, ठीक है। और उस लेयर को क्या बोलते हैं, जो अपर लिमिट होती है उस लेयर की, उसको बोलते हैं वाटर टेबल, क्या बोलते हैं, उसके नीचे वाटर आपको मिलेगा, वाटर टेबल, राइट ऑप्शन इज बी, क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वे टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, इसमें से कौन सा एक ऐसा जो ऑप्शन है जिसको वाटर को हम इकोनॉमिकली यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरीगेशन, इनफिल्ट्रेशन, ड्रिप इरीगेशन इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है एवरी ड्रॉप काउंट्स इज ए स्लोगन रिलेटेड टू, मोस्ट टाइम बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इस बार भी शायद आ जाए, एवरी ड्रॉप काउंट्स इज ए स्लोगन रिलेटेड टू, किसके साथ होता है, काउंटिंग ऑफ ड्रॉप ऑफ एनी लिक्विड, काउंटिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स, ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ, ठीक है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ होगा तब भी आप इसको टिक करोगे। उसके बाद आता है वाटर साइकिल इज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, इवेपोरेशन यस सर करता है, कंडेंसेशन मैंने बताया, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स यस, कंडेंसेशन में जो फॉर्मेशन बनती है इनकी, जो वाटर वेपर्स होते हैं आपके क्लाउड्स बनाते हैं, यस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल ये इसका ऑप्शन नहीं है। होप सो गाइस आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, 15 में से कितने स्कोर क्वेश्चन आपके ठीक हुए मुझे कमेंट करें। जेकेएसएफबी फाइनेंस अकाउंट टेस्ट, जेकेएसएफबी सब यूनिट सुपरवाइजर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, इसलिए मैंने इसको करवा दिया, अच्छा लगेगा आपको तो कभी लाएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए। सो ओके गाइस बाय बाय टेक केयर, बच्चे बड़े कम इंटरेस्ट व्यूज दे रहे हैं, उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अपना जल्दी से इसको कवर कर रहे हैं। सो ओके गाइस बाय बाय टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।